ये जो गाड़ी है मेरे पास, ये 2016 का गाड़ी है जो कि 26 तक कार का टैक्स वैलिड है। इंश्योरेंस भी मतलब फर्स्ट पार्टी किया हुआ है, ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस फेल है, टैक्स वैलिड है। गाड़ी का पूरा पेपर अप टू डेट है, पॉल्यूशन, इंश्योरेंस, टैक्स, तीनों ही एकदम अप टू डेट है। देखिए ये कार भी ट्रेंडिंग में है, कितना खूबसूरत कार है मैम, ये तो बिल्कुल न्यू कार लग रहा है एकदम। न्यू कार लगने का बताइए इसके बारे में। ये 2021 का MG हेक्टर जो आप देख पा रहे हो मेरे पास, इससे पहले जो था वाइट में डीजल था और ये पेट्रोल में आपको दिखा रहे हो। ये जो टाटा हैरियर आप डार्क एडिशन में देख पा रहे हैं, ये 2021 का मेरे पास गाड़ी आया है। फिलहाल गाड़ी का किलोमीटर सुन के सब लोग हैरान हो जाएंगे, सिर्फ 2000 गाड़ी चला है। Only 2000? Yes, प्लास्टिक का जो कवर है वो अभी तक उसे उतरा भी नहीं है। अच्छा? इतना मतलब बढ़िया कंडीशन है गाड़ी का। दोस्तों दो चार क्लिप्स देख कर आपको ये तो पता चल गया है जो आज मैं कहाँ से शूट कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ गया है आपने। अगर आप मेरा इस चैनल का पुराना व्यूअर्स है तो आपको जरूर पता है, अगर आप मेरा चैनल का नया व्यूअर्स है तो मैं आपको बता दूं, यह है कलकत्ता की एक मशहूर डीलर जहां पर बहुत सारे स्टॉक मौजूद है। लेकिन दोस्तों आज मैं उतना सारे स्टॉक आपको नहीं दिखा पाऊंगा, आज मैं आपको चुन चुन के 12 to 15 कार्स दिखाऊंगा। आज मैं कुछ सेडान भी दिखाऊंगा, कुछ SUV भी दिखाऊंगा और दो एक हैचबैक भी आपको दिखाऊंगा। उसमें से कुछ डीजल वर्सन भी है और कुछ पेट्रोल भी है। दोस्तों आज मैं आपके लिए और कुछ खास कार भी दिखाऊंगा, जैसे कि कुछ प्रीमियम कार दिखाऊंगा, कुछ नॉन प्रीमियम कार दिखाऊंगा और कुछ नॉर्मल कार भी दिखाऊंगा। जितना भी कार दिखाऊंगा आज मैं उसका बारे में डिटेल जानकारी भी दूंगा, जैसे कि वो कार कितना किलोमीटर चली है, कार का टायर का कैसा कंडीशन है, इंजन का कैसा परफॉर्मेंस है, फाइनेंस होगा कि नहीं होगा, कार का टैक्स कहाँ तक है। आप मान लो बंगाल की बाहर से हमें देख रहे हो, आप अगर इसमें से कोई भी कार लेना चाहते हो तो आपके लिए पेपर्स का क्या फंडा है, बहुत सारे सवाल जब एक कार खरीदने के लिए हम लोग जाते हैं हमारा मन में आती है। आज हम लोग इसी सवालों का जवाब इसी वीडियो से ले लेंगे। तो चलिए बिल्कुल भी देर न करते हुए, जैसे कि आपको पता है मैं जहाँ पर भी आता हूँ यहाँ का जो अथॉरिटी है उनका साथ में आपको बात कराऊँगा। और एक बात तो बताना भूल ही गया हूँ जो मैं अभी बताना चाहता हूँ, यहाँ का जो अथॉरिटी जिनका साथ फिलहाल मैं आपका साथ बात कराऊंगा, परिचय कराऊंगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में उनका काफ़ी नॉलेज भी है। तो चलिए बिल्कुल भी देर न करते हुए आज हम जहाँ आए हैं यहाँ का जो अथॉरिटी है उनका साथ आपका डायरेक्टली बात करा देते हैं। I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a... Namaskar, main hu Dayal Krishna. Aap dekh rahe hain India Tube. Right time, right choice, right information ka saath. Aaj hum aa gaya hai Kolkata ki ek mashhoor dealer, एक्सक्लूसिव डीलर MS मोटर्स में, और MS मोटर्स का आज का इस खूबसूरत वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैडम नमस्कार। नमस्कार, कैसी है मैडम आप बताइए? बहुत बढ़िया। तकरीबन बहुत दिन बाद आपका साथ मुलाकात हो रहे हैं। हाँ, बीच में आप बहुत दिन नहीं आए थे जी। और अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, बहुत सारे स्टॉक भी आ गए। बहुत सारे स्टॉक आप ले लिए, मैं देख पा रही हूँ कि 15 गाड़ी तो आप ले ही लिए। तो मैं थोड़ी देर पहले दोस्त लोगों से बातचीत कर रहा था कि आज बहुत सारे ऐसा कुछ कार दिखाऊंगा जो प्रीमियम भी है, नॉन प्रीमियम कुछ दिखाऊंगा, कुछ SUV भी दिखाऊंगा, कुछ सेडान भी दिखाऊंगा। बहुत सारे नए दोस्त आज हमें देख रहे हैं, यहाँ का नाम एड्रेस थोड़ा बता दीजिए प्लीज। नाम एड्रेस तो जगह देख के सब लोग पहचान में शायद आ ही गया हो। मैं फिर भी एक बार बोल दे रही हूँ, ये जो MS मोटर इंडिया है ये रूबी कौशबा साइड में है, एक्रोपोलिस गीतांजलि स्टेडियम के ठीक ऑपोजिट साइड में। यूनिटेक दी चेम्बर्स बोल के एक मॉल है, उसके ऊपर सेकेंड फ्लोर में 205 नंबर शॉप जो है वो MS मोटर इंडिया का ऑफिस है। नीचे बैक साइड में जितना पार्किंग रहता है वो MS मोटर का पार्किंग है। सब प्रियोन कार जितना रखा हुआ है वो सेल के लिए है। तो स्क्रीन पे शायद मेरा या ऑफिस स्टाफ का नंबर दिया हुआ रहेगा, तो उसमें अगर हेल्प चाहिए आने के लिए, कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें कॉल करके आप लोग आ सकते हैं। कितना स्टॉक्स फिर भी रखते हैं आप लोग? 50-60 के ऊपर तो स्टॉक रहते ही हमेशा रहते हैं। अभी थोड़ा आप देख पाएंगे सेडान एंड SUV में जितना गाड़ी है, प्रीमियम गाड़ी ज़्यादातर मेरे पास अभी फ़िलहाल है, और सब गाड़ी 18 से ऊपर ही अवेलेबल है।
19, 20, 21, 22 ये सब गाड़ी ज़्यादातर मेरे पास है। मैं वीडियो में ब्लॉग में दिखाते जाऊँगी गाड़ी का डिटेल्स और सब कुछ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। चल जाएगा। फाइनेंस का व्यवस्था है? ये फाइनेंस अवेलेबल है, इंश्योरेंस हम लोग कर देंगे, जितना अच्छा रेट मिले उसमें हम लोग इंश्योरेंस फाइनेंस कर देंगे। आउट ऑफ स्टेशन के लिए मतलब बंगाल की बाहर पैन इंडिया लोन अवेलेबल है, और गाड़ी के ऊपर हम लोग 6 मंथ का वारंटी अवेलेबल कर दिए हैं, और 6 महीने के लिए जो अवेलेबिलिटी है, और 3 सर्विस आपको फ्री मिलेगा। अच्छा। जो आप कभी भी ले सकते हो, आने से पहले खाली एक फ़ोन कर दीजिएगा तो हम लोग सर्विस के लिए वो गाड़ी मतलब रेडी कर देंगे। अच्छा। और बाहर स्टेट के लिए एनओसी अवेलेबल? एनओसी अवेलेबल है, इंश्योरेंस अवेलेबल है, लोन के लिए सुविधा अवेलेबल है। आपको यहाँ पर आगे किसी जगह पे जाना नहीं है, इधर आइए, जो भी गाड़ी के रिलेटेड जो भी जितना भी हेल्प चाहिए उस सब के लिए हम लोग हेल्प करते हैं। क्या बात। तो मैम व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज है? व्यूअर्स के लिए यही मैसेज है कि MS मोटर इंडिया आप देख पा रहे हो, वीडियो भी देख पा रहे हो, गाड़ी का कंडीशन तो फ़ोन पे आपको शायद ना ही समझ में आए अच्छे से, लेकिन आप बोलोगे कि गाड़ी का कंडीशन देखने के लिए मेरा ये रखता है, मायने रखता है कि सामने से आने से आपको अच्छे से कंडीशन पता चल जाएगा। सामने आने से आप गाड़ी देखोगे तो उसका टेस्ट ड्राइव भी हो जाएगा, अच्छे से आपको मतलब वो समझ में आ सकता है। तो एक बार विजिट कर लीजिए, हम लोग नहीं बोल रहे कि आके ही आप गाड़ी ले लीजिए, ऐसा नहीं है। कंडीशन देखने के लिए आइए, हो सकता है एक गाड़ी देखने आ रहे हैं, हमारे पास एक ही गाड़ी का मतलब 3-4 कलेक्शन तो हमेशा रहता ही है। होंडा सिटी में दिखाऊंगी तो होंडा सिटी मेरे पास 4-5 गाड़ी तो अभी अवेलेबल है ही। क्या शेल्टोस दिखाऊंगी, शेल्टोस 2-3 गाड़ी अवेलेबल है। तो एक गाड़ी देखने आएंगे, दो गाड़ी मतलब दूसरा गाड़ी पसंद हो सकता है। तो वीडियो में तो सब गाड़ी दिखाना पॉसिबल भी नहीं होता है, लाइक 50-60 कार तो रहता ही है। तो आप आ जाइए, और ये जो इंडिया ट्यूब का ये चैनल आप लोग देख पा रहे हैं, ये लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। तो शुरू किया जाए। जो गाड़ी अभी दिखा रहे हो XUV 500, एक्चुअली जितना XUV आता है बहुत जल्द सोल्ड हो जाता है हमारे यहाँ से, क्योंकि XUV का तो मार्केट बहुत ही मतलब डिमांड बहुत डिमांड है। गाड़ी ये गाड़ी है 2013 का, XUV 500 W8 है, 13 का है, लेकिन इसको अपग्रेड किया हुआ है, 2015-16 मॉडल जो आता है उसमें अपग्रेड किया हुआ है। गाड़ी 2013 का है, 23 तक इसका टैक्स पेड है, XUV 500 W8 है, 95,000 किलोमीटर है। मैंने पहले भी बोला है जितना है सब गाड़ी ओरिजिनल किलोमीटर नॉन एक्सीडेंटल, ये दो चीज़ का आपको गारंटी मिलेगा। इसमें भी आपको फाइनेंस अवेलेबल है जो कि हम लोग करा देंगे, 2013 के गाड़ी से हम लोग नॉर्मली मतलब लोन करवाते हैं। और गाड़ी का आस्किंग प्राइस मैं बता दूँ, एकदम मतलब एट्रैक्टिव प्राइस रखे हैं। अच्छा। इस गाड़ी का 525 में तो मेरे पास अभी हैचबैक भी नहीं है, उसमें आपको 7 सीटर के XUV 500 मिल जा रहा है, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। गाड़ी का कंडीशन एकदम मेंटेन किया हुआ है, जो आप सामने से आएंगे और भी अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। दोस्तों इस मौका को हाथ से जाने मत दीजिए, ओनली 525 में इतना खूबसूरत कार, एकदम देखिए कार का अंदर बाहर दोनों दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए, उसका बाद आपको अगर पसंद आ रहा है, फिलहाल जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है मैम का है, कॉल घुमाइए, कार को अपना बनाइए। चलिए नेक्स्ट कार दिखाते हैं। मैम बताइए इस कार का बारे में। मेरे पास 2 क्रेटा है, भैया शायद एक ही का वीडियो बनाया है, दूसरा वीडियो में वो शायद दूसरा क्रेटा दिखा देगा। मैं फिर भी दूसरा क्रेटा के बारे में भी इस वीडियो में बता दूंगी, जो आएंगे वो 2 क्रेटा ही देख सकते हैं। ये जो गाड़ी है मेरे पास, ये 2016 का गाड़ी है, जो कि 26 तक कार का टैक्स वैलिड है, इंश्योरेंस भी मतलब फर्स्ट पार्टी किया हुआ है, ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस फेल है, टैक्स वैलिड है। गाड़ी का पूरा पेपर अप टू डेट है, पॉल्यूशन, इंश्योरेंस, टैक्स, तीनों ही एकदम अप टू डेट है गाड़ी का। 2016 का कार 26 तक टैक्स पेड है, गाड़ी चला हुआ है 53,000, क्रेटा 1.6 CRDI A6 प्लस है ये, और डीजल में आपको मिल जाएगा, गाड़ी 53,000 किलोमीटर चला। हम लोग आस्किंग प्राइस इसका जो रखे हैं ये है 799, आप मार्केट चेक करके रखिए, सबसे कम प्राइस में अगर क्रेटा कोई दे रहा है तो वो हम लोग के पास ही है गाड़ी। और जो प्राइस हम लोग अभी बोल रहे हैं उसमें भी आपको नेगोशिएशन मिल जाएगा, ऑन टेबल गाड़ी का नेगोशिएशन होगा।
गाड़ी का कंडीशन आप देखेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं एकदम इंटीरियर एक्सटीरियर बहुत बढ़िया कंडीशन है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ गाड़ी है। और मेरे पास जो दूसरा क्रेटा है मैं उसके बारे में बता दूँ, वो 2020 का मेरे पास और एक क्रेटा है, वो डुअल टोन है, ब्लैक एंड वाइट में वो मिल जाएगा 2020 का। उसमें सनरूफ भी अवेलेबल है, गाड़ी का मतलब चला हुआ है सिर्फ 20,000 ऐसा कुछ, और गाड़ी का हम लोग आस्किंग प्राइस रखे हैं उस गाड़ी का 1199 जो कि पेट्रोल में आपको मिलेगा। मेरे पास एक डीजल में और एक पेट्रोल में अवेलेबल है, वो गाड़ी का भी प्राइस हम लोग जो रखे हैं वो नेगोशिएबल प्राइस है, ऑन टेबल वो गाड़ी का भी नेगोशिएशन हो जाएगा। और मैं फाइनेंस के बारे में तो आपको बता ही दिया कि पैन इंडिया फाइनेंस अभी चालू हो गया है, तो बाहर का कस्टमर भी आएगा उसके लिए भी फाइनेंस अवेलेबल है, और जो कोलकाता का है वो तो मतलब उसके लिए तो है ही, और नेगोशिएशन ऑन टेबल होगा, गाड़ी आएंगे देखेंगे उसके बाद हम लोग प्राइस लेके बात करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, देखिए कैसे लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, फिलहाल जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है मैम का है, कॉल घुमाइए फटाफट, क्रेटा को अपना बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट कार दिखाते हैं दोस्तों, फैंटास्टिक WRV, कितना खूबसूरत है मैम, कलर भी खूबसूरत है इसका, सही में बताइए इसके बारे में। ये जो WRV आप लोग देख रहे हैं ये 2017 का WRV है हमारे पास, और गाड़ी चला हुआ है 80,000 किलोमीटर। अच्छा। जो है हमारे यहाँ नॉन एक्सीडेंटल नॉन किलोमीटर टेम्पर, ये दो चीज़ का गारंटी आप लोगों को मिलेगा हमारे तरफ से जी। और गाड़ी में तीन ठो फ्री सर्विस तो है ही, 2017 का WRV है, टैक्स पेड है, गाड़ी का इंश्योरेंस वैलिड है, और गाड़ी का आस्किंग प्राइस हम लोगों ने रखा है 649 जो कि आस्किंग प्राइस है, 80,000 गाड़ी चला हुआ है, किलोमीटर एंड नॉन एक्सीडेंटल, ये दो चीज़ का हम लोग गारंटी लेंगे। और गाड़ी में आप लोग देख पा रहे हैं कि सनरूफ अवेलेबल है, WRV ये डीजल में आपको मिल जाएगा। मैं वेरिएंट मैं वेरिएंट एक बार बता दे रहा हूँ, 2017 का WRV IDTech VX मॉडल है ये। गाड़ी का इंटीरियर कंडीशन आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया मिंट कंडीशन है, ओनर जो है बहुत मेंटेन किया हुआ गाड़ी है वो आप देख के ही पता चल जाएगा। गाड़ी आप आके टेस्ट ड्राइव लीजिए, उसके बाद गाड़ी का कंडीशन जो है वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। WRV का बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है कि कॉम्पैक्ट SUV में डीजल में उनको चाहिए, तो डीजल में ये एक मेरे पास है, और दो गाड़ी मैं अलग से दिखा पाऊंगी तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिखा रहे हैं। 649 आस्किंग प्राइस है गाड़ी का, नेगोशिएबल तो होगा ही ऑन टेबल, तो वो विजिट करेंगे उसके बाद नेगोशिएशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत WRV 649 नेगोशिएबल है प्राइस, आप आइए टेबल पर बैठिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, फिर बातचीत कीजिए, उसका बाद डील फाइनल कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। फिलहाल जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है ये मैम का है, कॉल घुमाइए, कार को अपना बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट कार दिखाते हैं, कितना खूबसूरत कलर है मैम इसका एकदम, इस सिटी के बारे में बताइए दोस्त लोगों को। ये जो गाड़ी आप लोग देख रहे हैं ये ऑलिव ग्रीन कलर में अभी अभी गाड़ी आया है, एक्चुअली डिटेल्स भी मेरे को पता नहीं था, तो अभी अच्छा। भैया से लेके अभी सिर्फ फर्स्ट आपके वीडियो में ही दिखा रहे हो, क्या बात है, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं हुआ है, गाड़ी का फोटो भी नहीं हुआ है, गाड़ी जैसे आया वैसे ही वीडियो में दिखा रहे हो। ये 2017 का गाड़ी है, होंडा सिटी, मैं एक्चुअली डिटेल्स चेक करके इसका मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी। सिटी 1.5V CVT है, ऑटोमेटिक में आपको मिल जाएगा गाड़ी, हाँ ऑटोमेटिक में मिलेगा गाड़ी, और गाड़ी चला है 43,000 ओनली, जो चला है वो तो आपको देख के पता ही चल जाएगा। इंटीरियर का एक भी सीट का कोई भी कोना फटा हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, इंटीरियर इतना बढ़िया कंडीशन में मेंटेन किया हुआ है। मतलब एक दो दिन पहले ही शायद एक होंडा सिटी CVT ऑटोमेटिक था उसमें वो सेल हो गया है, वाइट कलर का वक्त था, उसके बाद अभी CVT में होंडा सिटी मेरे पास ये अवेलेबल है, इसके बाद भी मेरे पास 3-4 और होंडा सिटी है जो कि वीडियो में दिखाएंगे। और ये 2017 का होंडा सिटी CVT 1.5 है, आस्किंग प्राइस हम लोग रखे हैं 699, सबसे कम प्राइस में CVT आपको मिल रहा है 699, सही बात है, नेगोशिएबल प्राइस है, और आके इससे ऊपर भी डिस्काउंट आप मांग सकते हो, जो भैया का वीडियो देख के आएगा उसके लिए तो अलग से आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो आप लोग विजिट कीजिए, देन हम लोग बैठ के गाड़ी के बारे में आपको डिटेल्स और अच्छे से समझाएंगे, आएंगे तो टेस्ट ड्राइव वेस्ट ड्राइव लेके उसके बाद अच्छे से समझा पाएंगे गाड़ी। कितना खूबसूरत कार है, कार के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने अंदर बाहर दोनों दिखा दिया, पसंद आ रहा है ना, तो फटाफट कॉल कीजिए मैम को, स्क्रीन पर दिया हुआ जो नंबर है, और इस कार को अपना बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट कार दिखाते हैं, ये है मैडम बताइए, फॉर्चुनर। और ये जो गाड़ी हम लोग दिखा रहे हैं ये 2013 दिसंबर का गाड़ी है। अच्छा। और मतलब
हर एक महीने पे फॉर्चुनर हम लोगों का सेल हो जाता है, तो ये इस महीने पे आया है अभी गाड़ी, 2013 का है, 70,000 गाड़ी चला हुआ है। अच्छा। और 4x4 MT है मैनुअल ट्रांसमिशन। गाड़ी का प्राइस हम लोगों ने रखा है 1399 जो कि आस्किंग प्राइस है, नेगोशिएशन इसका भी ऑन टेबल हो जाएगा। अच्छा, और क्या क्या फीचर्स है थोड़ा सा बता दीजिए मैम। फीचर्स देखिए, फॉर्चुनर में जितना फीचर्स रहता है वो तो सब अवेलेबल है ही। एलॉय व्हील्स है, फॉग लैंप है, आपका मतलब स्क्रीन टच है, एयरबैग है, एयरबैग तो शायद 8-10 एयरबैग इसके अंदर अवेलेबल है। सनरूफ है, ऑटो वर्वीएम है, जो भी है वो फॉर्चुनर के मतलब जितना भी फीचर्स रहता है वो तो सब अवेलेबल है ही, वो आप देख के ही पता चल जाएगा। और सामने जब आओगे तो हम लोगों का जो मैकेनिक रहता है वो आपको अच्छे से समझा देगा कि गाड़ी का क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, कोई भी प्रॉब्लम हो वो सामने से आके ही अच्छे से सॉल्व हो सकता है। तो एक बार विजिट कीजिए, उसके बाद हम लोग बैठ के बात करते हैं। तो मोस्ट डिमांडिंग कार सियाज, आपको भी पता है, जो जब भी मैं यहाँ का वीडियो बनाता हूँ हर टाइम में मैं सियाज आपको जरूर दिखाता हूँ। लास्ट महीने में भी हम लोग दिखाए थे कोडम्बो तो सर का एक सियाज, वो तो सोल्ड हो गई है एकदम। और ये भी कितना खूबसूरत कार है मैम, बताइए इसका बारे में। जो ये सियाज मैं दिखा रही हूँ ये 2016 का सियाज मेरे पास अवेलेबल है, 26 तक इसका भी टैक्स पेड है। गाड़ी का किलोमीटर मैं एक बार बता दूँ, गाड़ी चला हुआ है सिर्फ 60,000 किलोमीटर, जो कि आप लोगों को पता ही है। इसका भी सर्विस रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, 2016 का 26 तक टैक्स पेड गाड़ी। गाड़ी का आस्किंग प्राइस हम लोगों ने रखा है 549 जो कि नेगोशिएबल है, और अच्छा नेगोशिएशन आपको ऑन टेबल ही मिल सकता है गाड़ी देखने के बाद। और गाड़ी का जैसे कंडीशन आपको सामने से दिख रहा है एग्जैक्ट वैसे ही कंडीशन आपको सामने से भी मतलब देखने से मिल जाएगा। गाड़ी सियाज ZDI है ये मॉडल, टॉप वेरिएंट आपको मिलेगा, डीजल में आपको मिल जाएगा। सिडान डीजल में बहुत डिमांडिंग रहता है गाड़ी का, तो ये सियाज आपके पास जो है सियाज डीजल में आपको मिल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, कॉल घुमाइए, कार को अपना बनाइए, चलिए नेक्स्ट कार दिखाते हैं। ये जो गाड़ी आप लोग देख पा रहे हैं ये 2021 का वारना जो आपके सामने है, एकदम आपको देख के ही लग रहा है ये फेसलिफ्ट मॉडल है, जो न्यू मॉडल आता है उसके ऊपर है। गाड़ी का मैं एक बार डिटेल्स बता दूँ, उसके बाद मैं फीचर्स बता रही हूँ। 2021 का ये गाड़ी आपको मिल जाएगा, 27,000 किलोमीटर चला हुआ है, और ये डीजल में आपको मिलेगा। वारना में बहुत सारे लोगों का डीजल का रिक्वायरमेंट रहता है कि माइलेज ज़्यादा अच्छा देगा, तो इसीलिए 2021 का है, टैक्स 5 साल के लिए पेड है, और 27,000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी है। वारना A6 ऑप्शनल है ये, और ये गाड़ी का आस्किंग प्राइस हम लोगों ने रखा है 1325 जो कि नेगोशिएबल प्राइस है। ये सिर्फ आस्किंग प्राइस है, बहुत लोग सोचते हैं कि आस्किंग प्राइस रख दिया तो हम लोग जाके क्या नेगोशिएशन करेंगे, एकदम क्लियर कट है कि अच्छा नेगोशिएशन आपको ऑन टेबल ही मिल सकता है। बहुत लोग फ़ोन पे नेगोशिएशन के लिए फ़ोन कर देते हैं कि कितना हो सकता है, आप लास्ट बताइए, उसके बाद आप गाड़ी नहीं देखे हैं सामने से आके तो कैसे नेगोशिएशन होगा। गाड़ी इतना मतलब वीडियो में आपको जितना क्लियर दिखा रही हूँ मैं, सामने से आके और भी अच्छा कंडीशन आपको समझ में आएगा, तो आप नेगोशिएशन अच्छे से कर पाएंगे। और इसमें देखिए फेसलिफ्ट मॉडल है, फॉग लैंप है, सनरूफ अवेलेबल है, इनबिल्ट म्यूज़िक सिस्टम है, लेदर का न्यू सीट कवर लगा हुआ है गाड़ी में, एलॉय व्हील्स है, जो क्रूज कंट्रोल सब कुछ है। भैया जो इंटीरियर दिखाएंगे शायद उसमें स्क्रीन पे आपको दिख पाएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कलर ओरिजिनल है, एकदम बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल कलर में है। एक से बढ़कर एक कार आज मैम ऑफर कर रही है हम लोगों को, देखिए ये भी एक अर्टिगा फेसलिफ्ट। मैम बताइए कितना खूबसूरत कार रखी है, बताइए इसके बारे में। गाड़ी देख के पता चल गया है गाड़ी का मतलब एकदम नया कार जो है, तो ये गाड़ी जो है ये 2021 का आर्टिगा ZXI है, टॉप मॉडल है, पेट्रोल में आपको मिल जाएगा गाड़ी। गाड़ी सिर्फ और सिर्फ चला है 8,400 जो कि मिलता ही नहीं है गाड़ी। आर्टिगा जो लेते हैं वो चला के उसके बाद ही सेल करते हैं, माइलेज भी तो दमदार माइलेज है। मारुति का जितना भी गाड़ी लीजिएगा तो उसको कस्टमर को पता ही है कि सबसे ज्यादा माइलेज मारुति में ही मिलता है। माइलेज भी है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो है, सर्विस सेंटर अवेलेबल है, पीआर पार्ट्स अवेलेबल, जहाँ जाइएगा वहाँ सर्विस सेंटर अवेलेबल हो जाएगा। और गाड़ी सिर्फ 8,000 चलाओ तो बोलने वाला कुछ है नहीं कि गाड़ी का इंटीरियर कंडीशन कैसा रहेगा।
आप देखेंगे इंटीरियर कंडीशन तो आपको पता ही चल जाएगा, लेदर का जो सीट कवर लगा हुआ है सब कंपनी फिटेड है, एकदम बढ़िया कंडीशन में आपको मिलेगा। 8000 चला हुआ है, इसके आपको सेंसर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, स्क्रीन टच है। कितना सीट का है मैम? ये 7 सीटर है, 7 सीटर आर्टिगा है, आर्टिगा पेट्रोल में 7 सीटर ये मेरे पास अभी फिलहाल अवेलेबल है। एक्चुअली 2 गाड़ी आया था, एक डीजल में, डीजल वाला सोल्ड हो गया, अभी ये फिलहाल है। और इसका भी कंडीशन आपको देख के पता चले, एक खरोज भी नहीं है गाड़ी में। सबसे बड़ी बात है कि एक खरोज भी नहीं है गाड़ी में, गाड़ी जैसे आया वैसे ही रखा हुआ है। गाड़ी जो आएगा, मतलब जो लेगा वो गेनर है ये गाड़ी, ठीक है। और इंश्योरेंस वैलिड है, कंपनी वैलिड है, कंपनी वारंटी में है गाड़ी अभी फिलहाल। जो कि 2 साल के लिए होता है वो 3 साल के लिए एक्सटेंडेड वारंटी किया हुआ है गाड़ी का। तो अभी फिलहाल मेरे से भी आप सर्विस ले सकते हो, तो कंपनी से तो वो अवेलेबल है ही, जो भी लेना है तो कंपनी से ही आप ले सकते हो। और मैं फिर एक बार डिटेल्स बता दूं, 2021 का गाड़ी है, टैक्स 5 साल के लिए वैलिड है, इंश्योरेंस पेड है 3 साल के लिए, और गाड़ी चला हुआ है 8400 सिर्फ। गाड़ी का आस्किंग प्राइस हम लोगों ने रखा है 999, ये आस्किंग प्राइस है, नेगोशिएशन ऑन टेबल मिलेगा। कितना खूबसूरत कार है, आपको देख के ऐसा लग रहा है क्या जो ये सेकेंड हैंड कार है या यूज्ड कार है? बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि ये शोरूम से लाया गया है। मैम बताइए इसके बारे में। ये जो किया शेल्टोस आप लोग देख पा रहे हैं, एक्चुअली मैं शुरू में ही बोल दिया था कि 2 किया शेल्टोस अभी फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल है। ये रेड कलर में बहुत बढ़िया कंडीशन में, रेड कलर बहुत ही, मतलब कलर वैसा ही है एकदम, मतलब नया जैसा आपको फील आएगा। गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर देखेंगे तो भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और गाड़ी है 2019 का, सिर्फ 24,000 किलोमीटर चला हुआ है, 24,000 ओनली गाड़ी चला हुआ है। 2019 का टैक्स, लाइफ टाइम टैक्स पेड किया हुआ गाड़ी, लाइफ टाइम टैक्स पेड है। और इसका वेरिएंट मैं बता दूँ, किया शेल्टोस HTX प्लस ऑटोमेटिक डीजल है ये। ये डीजल है, मेरे पास और एक किया शेल्टोस है ग्रे कलर में, वो पेट्रोल है। डीजल का बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है किया शेल्टोस के लिए, उसके लिए एकदम दमदार गाड़ी आप बोल सकते हो। इंटीरियर लेदर का सीट कवर आप देखोगे, आपको देख के पता चल जाएगा कि गाड़ी कितना वेल मेंटेनेंस है गाड़ी इंटीरियर। और सनरूफ इसमें अवेलेबल है, HTX में तो सबको पता ही है, फॉग लैम्प, सनरूफ, अलॉय व्हील्स, सब कुछ, मतलब वॉइस कमांड, बहुत कुछ इसमें फीचर्स भरा हुआ है। गाड़ी आप जैसे देख पा रहे हो बिल्कुल वैसे ही आपको मिलेगा गाड़ी का, एकदम मतलब बहुत ही बढ़िया मेंटेन कार है आप बोल सकते हो। जो आस्किंग प्राइस हम लोग मांग रहे हैं इस गाड़ी का, ये है 1399 हम लोग आस्किंग प्राइस रखे हैं इस गाड़ी का, जो कि नेगोशिएबल है, और ऑन टेबल इसका नेगोशिएशन हम लोग कर देंगे आज। अच्छा ठीक है, देखिए कैसा लग रहा है, बिल्कुल नई न्यू कार है एकदम। आइए टेस्ट ड्राइव कीजिए, उसका बाद बातचीत कीजिए, फिर डील फाइनल कीजिए। थैंक यू सो मच, देखिए कैसा लग रहा है, स्क्रीन पर दिया हुआ जो नंबर है ये मैम का है, फटाफट कॉल घुमाइए, कार को अपना बनाइए, चलिए नेक्स्ट कार दिखाते हैं। फिलहाल मार्केट में अभी ट्रेंडिंग में है वो है टाटा हैरियर, एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू कार। आज हम लोग रूबरू करेंगे इस कार के बारे में, मैम बताइए इसके बारे में। ये जो टाटा हैरियर आप डार्क एडिशन में देख पा रहे हैं, ये 2021 का मेरे पास गाड़ी आया है फिलहाल। गाड़ी का किलोमीटर सुन के सब लोग हैरान हो जाएंगे, सिर्फ 2000 गाड़ी चला है, ओनली 2000। यस, प्लास्टिक का जो कवर है वो अभी तक उसे उतरा भी नहीं है, इतना अच्छा? मतलब बढ़िया कंडीशन है गाड़ी का, नहीं बात सही है। हाँ, और 2000 किलोमीटर चली हुई कार है, और हो भी क्या, SUV में इतना कम चला हुआ गाड़ी मिलता नहीं है। और मेरे पास जो है, जो लेगा एकदम, मतलब सर्विस हिस्ट्री वगैरह जो भी है कुछ अवेलेबल है। गाड़ी का टैक्स पेड है, इंश्योरेंस वैलिड है, अभी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में भी ये है, कंपनी वारंटी में है, पोल्यूशन अवेलेबल है, सब कुछ इसमें, मतलब पेपर जितना होता है सब अपडेट किया हुआ पेपर है, गाड़ी का एकदम मिंट कंडीशन में है। कलर भी तो ओरिजिनल है। हाँ, ओरिजिनल मतलब एकदम कंपनी से निकला हुआ गाड़ी है, डार्क एडिशन आपका XJT प्लस डार्क एडिशन में गाड़ी आपको मिल जाएगा। गाड़ी का हम लोग आस्किंग प्राइस रखे हैं 1949, जो कि ये आस्किंग प्राइस है, इसके ऊपर नेगोशिएबल हो जाएगा प्राइस, ऑन टेबल इसका नेगोशिएशन हम लोग कर देंगे। मैम ये डीजल या पेट्रोल है? ये डीजल गाड़ी आपको, ये डीजल में आपको मिल जाएगा। गाड़ी का कंडीशन आपको देख के पता चल ही रहा है कि कितना बढ़िया कंडीशन में है, एग्जैक्टली सेम, मतलब जैसे आपको, मतलब एक शोरूम कंडीशन मैं बोल सकती हूँ कि नया गाड़ी जैसे आपको शोरूम से मिलेगा, ये गाड़ी वैसा ही है कि शोरूम से निकला हुआ गाड़ी है, सीधा आपके घर जाने वाला है गाड़ी। ओके दोस्तों, देखिए इतना खूबसूरत अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, उससे पहले कॉल घुमाइए, कार को अपना बनाइए, फाइनेंस भी अवेलेबल है।
बिल्कुल, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि जितना गाड़ी मैं दिखा रही हूँ उसमें सब गाड़ी के ऊपर 5 साल के लिए फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा और जितना कम हो सके उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम लोग कर देंगे गाड़ी। जितना भी यहाँ पर मैं एमजी हेक्टर दिखाता हूँ वो पूरा के पूरा सोल्ड हो जाती है। ये आप ही लोगों का कमाल है, डिमांड का हिसाब से सोल्ड हो जाती है। देखिए ये कार भी ट्रेंडिंग में है, कितना खूबसूरत कार है मैम, ये तो बिल्कुल न्यू कार लग रहा है एकदम। न्यू कार लगने का बताइए इसके बारे में। ये 2021 का एमजी हेक्टर जो आप देख पा रहे हो मेरे पास है, इससे पहले जो था वाइट में डीजल था और ये पेट्रोल में आपको दिखा रही हूँ ब्लैक। अच्छा। पूरा डार्क है ब्लैक कलर का और पेट्रोल ये 2020 का है। 13,000 सिर्फ चला हुआ गाड़ी, ओनली 13,000 चला हुआ गाड़ी। पहले ही बताया था नई कार है और ये एमजी हेक्टर शार्प ऑटोमेटिक है। अच्छा। और गाड़ी का आस्किंग प्राइस हम लोगों ने रखा है 1749, 17.5 लाख आस्किंग प्राइस है। हाँ। और इसका भी नेगोशिएशन ऑन टेबल हो जाएगा, फाइनेंस भी तो हो जाएगा। फाइनेंस अवेलेबल है वो तो मैं वीडियो के शुरुआत में ही बोल दिया कि हाँ। जितना भी गाड़ी है उसके लिए मतलब प्री ओन कार में 5 साल के लिए लोन अवेलेबल है, तो वो हम लोग इधर से आप लोग मतलब अप्रूव कर देंगे। क्या क्या है थोड़ा सा बता दीजिए अंदर। गाड़ी देख पा रहे कि आप सनरूफ अवेलेबल है जो पैनोरामिक है पूरा, और स्क्रीन टच है, एलॉय व्हील्स है, फॉग लैंप है और वॉइस कमांड है। आप जहाँ पर भी जाएगा आपको कुछ चाहिए कि एसी चलाना है वो सब आप जैसे बोलेंगे वैसे ही आपको ये गाड़ी दे देगा। मैं ये देख रहा था कि स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल, ऑडियो माउंटिंग कंट्रोल, आपका क्रूज कंट्रोल, ये सब कुछ है, ऑटो वाइपर, ये सब बहुत सारा फीचर्स अवेलेबल है एमजी में, इसीलिए एमजी का रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा है। 8 एयरबैग्स है इसमें। हाँ, 8 एयरबैग्स भी अवेलेबल हैं। तो गाड़ी का प्राइस हम लोगों ने जो बताया 1749 आस्किंग प्राइस है और नेगोशिएशन तो ऑन टेबल वो हो ही जाएगा। दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आज मैं दो किया सेल्टोस दिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल नई जैसी एकदम, एक तो दिखा दिया ये दूसरी है, देखिए कितना खूबसूरत कार है। बताइए मैम किया सेल्टोस एक मैंने मेरून कलर में एक दिखाया था और एक है मतलब बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन का कलर है, मैं क्या बोलूँ, ग्रे नहीं एश कलर टाइप है, डार्क एश कलर। और ये गाड़ी है 2020 का, ये पेट्रोल में मिलेगा, मैं जो दूसरा गाड़ी दिखाई थी वो डीजल में अवेलेबल है। 2020 का 25 तक टैक्स पेड है, ये 28,000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी है। गाड़ी का वेरिएंट मैं बता दूँ, ये किया सेल्टोस GTX प्लस DCD वेरिएंट है और इसका आस्किंग प्राइस हम लोगों ने रखा है 1599। गाड़ी आपको देख के ही पता चल जाएगा कि जैसे शोरूम से आया हुआ गाड़ी है, एक शोरूम कंडीशन जिसको आप बोल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में मेंटेन किया हुआ गाड़ी है। गाड़ी का मैं डिटेल्स और एक बार बता दूँ, 2020 का 25 तक टैक्स पेड किया हुआ गाड़ी है, सिर्फ और सिर्फ चला हुआ है 28,000। लेस ड्रिवन, दोनों ही लेस ड्रिवन कार मैंने दिखा दिया आपको, ये पेट्रोल में मिलेगा, दूसरा गाड़ी डीजल में है, वेरिएंट है GTX प्लस DCD वेरिएंट। तो ये है मेरे पास एक किया सेल्टोस में और एक है रेड में जो कि मैंने प्राइस इसका प्राइस मैंने बता दिया कि 1599 इसका आस्किंग प्राइस है हमारे पास जो गाड़ी है, तो ये नेगोशिएबल प्राइस है, ऑन टेबल इसका भी बहुत धमाका नेगोशिएशन होने वाला है। क्या बात है, चलिए थैंक यू सो मच। देखिए कितना खूबसूरत कार मैम ने दिखाया है, नेगोशिएबल प्राइस है, आइए टेस्ट ड्राइव लीजिए फिर डील फाइनल कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है, फिलहाल जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है ये मैम का है, फटाफट कॉल घुमाइए, कार को अपना बनाइए। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही था, आप सब ने देखा क्या क्या कार उन्होंने दिखाया है, कैसे कैसे कंडीशन है, टैक्स कहाँ तक है, कलर ओरिजिनल है कि नहीं, टायर का कैसा कंडीशन है, कितना किलोमीटर चली हुई है, फर्स्ट ओनर है कि सेकेंड ओनर है, फाइनेंस होगा कि नहीं होगा। आप मान लो बंगाल की बाहर से हमें देख रहे हो, आपके लिए NOC फैसिलिटी है कि नहीं, अगर है तो कितना दिन में है, बंगाल का बाहर में फाइनेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बहुत सारे सवालों का जवाब आज इसी वीडियो में मैम ने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, फिलहाल जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है ये मैम का है, आप फटाफट कॉल घुमाइए, कार को अपना बनाइए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इनका नाम, नंबर, एड्रेस सब कुछ दिया हुआ रहेगा, आप अपने हिसाब से कॉल करके कार को बुक भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आके टेस्ट राइड भी ले सकते हैं आप। तो मैम व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज है, तो आप लोग थोड़ा हेल्प करेंगे और उसके मतलब चलते ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप बाइक चला रहे हो तो हेलमेट को जरूर इस्तेमाल करें, या फिर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो सीट बेल्ट को इस्तेमाल करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।